ये क्या है? ओम। अब बोलते ही गलत हो यार, इसको ओम नहीं इसको आउम कहा जाता है। मैं समझाता हूँ क्यों। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर, ये आम वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिसको आप बिना टंग की मूवमेंट के बोल सकते हैं। अगर भगवान ने आपको टंग नहीं दी होती ना, तब भी आप आम बोल सकते थे। ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, आपका मुंह ओपन करना है, आ वर्ड बोलना है और धीरे धीरे मुंह को बंद करना है। सिंपल, ट्राई करो। आम, क्या आवाज आया? आम। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपकी बॉडी के वाइब्रेशंस को हिलाता है। ऑब्जर्व करो, आप जब आम बोलते हो ना, तो आपकी नाभि से आपके गले तक वाइब्रेशन फील होती है। ये आपकी जो नाभि है ना, वहीं पर आप जब आपकी माँ की कोख में थे ना, तब भी कनेक्टेड थे। ये आम वर्ड आपके उस पॉइंट को वाइब्रेट करता है, उससे आपकी बॉडी के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिव जी ने एक बार आम वर्ड का उपचार किया ना, तो पूरा ब्रह्मांड नया बन सकता है। ऑब्जर्व करना, जब छोटे बच्चे पहली बार कुछ बोलना सीखते हैं ना, तो वो भी आ वर्ड ही बोलते हैं। पापा, मामा, दादा, आ, उ और म, यानी कि आम। इस पूरी सृष्टि का एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको पूरा हिला सकती है।